गुजरात के सूरत में ध्वस्त किया गया सूरत का 85 मीटर ऊंचा कूलिंग टावर 4 सेकंड में मलबे में तब्दील हुआ पावर स्टेशन। सूरत शहर के एक जौहरी ने चांदी से बनाए 4 राम मंदिर, 80,000 से 5 लाख की है कीमत। अहमदाबाद में पकड़ी गई नकली नोटों की फैक्ट्री, पुलिस ने 25 लाख रुपए के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। सूरत के मानक पार्टी गांव में केमिकल के कारण बहुत अधिक मात्रा में फैल रहा है प्रदूषण, जिससे आसपास की उपजाऊ मिट्टी और सेहत हुई खराब। गुजरात में भी दिखा बारिश का असर, मौसम में बदलाव से सूरत में हुई बेमौसम बारिश, प्रदेश के कई हिस्सों में छाए रहे बादल। सूरत के उत्तरन थाना क्षेत्र में फले फूले शराब के अड्डे थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर पनपे शराब के अड्डे आरोपी हुआ गिरफ्तार। सूरत धर्म में सुतारिया मामले का एक और वीडियो हुआ वायरल, वीडियो में आरोपी किशन डायरियों पर हस्ताक्षर करता हुआ दिखा। राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की कोर्ट 23 मार्च को सुनाएगी फैसला, मोदी के उपनाम वाली टिप्पणी पर मानहानि का है मामला। सूरत की निजी फाइनेंसियर द्वारा धोखाधड़ी का आरोप, गोल्ड लोन के नाम पर ठगी का लगा आरोप, पुलिस जांच में जुटी। गुजरात में छत्तीसगढ़ के युवक को उतारा मौत के घाट, चोरी के शक में पीट कर हत्या, बचाने की जगह वीडियो बनाते रहे लोग। अहमदाबाद के पाल्टी में बेटे की उम्र के युवक ने किया यौन शोषण, महिला का आरोप, युवक ने शादी का वादा करके बनाए थे संबंध। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सूरत नगर पालिका का स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। सूरत सिविल अस्पताल में घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने किया खुलासा। सूरत के अस्पताल में पान मावा खाने वाले को बुलाई गई व्यवस्था, अस्पताल से 104 किलो पान मसाला गुटखा किया गया जब्त। गुजरात के अहमदाबाद में भ्रष्टाचार नजर आए तो सीधे पत्र लिखे, अमित शाह बोले सरकार की योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुँचा। गृह मंत्री हर्ष सांधवी के गृह नगर सूरत में राज्य निगरानी प्रकोष्ठ शराब के काफिले की छापेमारी में 530 लीटर शराब के साथ 11 लोग हुए गिरफ्तार। मौत की कगार पर खड़ी पाकिस्तानी महिला की जान सूरत के एक डॉक्टर ने बचाई। असम सरकार ने सूरत में बनने वाली असमिया मेखला चादर साड़ी पर लगाया प्रतिबंध, व्यापारियों को करोड़ों रुपए हुए ठप, 500 करोड़ का हुआ नुकसान। बेमौसम बारिश ने सब्जियों के बढ़ाए दाम, नींबू के भाव 150 रुपए प्रति किलो, वही मिर्च के भाव भी 60 से 80 रुपए प्रति किलो पहुंच गए। अहमदाबाद में दिल्ली दरवाजे के पास एक BRTS चालक ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, जिससे हादसा हुआ।